बात अब बंगाल चुनाव की करेंगे, जहां कोरोना के तनाव के बीच छठे दौर का मतदान जारी है। 43 सीटों पर चुनाव में अब तक 38% तक वोटिंग हो चुकी है। अभी दो दौर के चुनाव का मतदान बाकी है, लेकिन सवाल यही कि क्या बंगाल इस कोरोना के दौर को झेल सकेगा। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने खास बातचीत में बंगाल का चुनावी हाल बयां किया। हमारे साथ इस वक्त है बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय, जो इस वक्त कृष्णनगर उत्तर से बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। मुकुल दा, बड़ा चैलेंज है आपके लिए, कैसे देखते हैं इसको? तो लास्ट लोकसभा चुनाव में ये सीट से बीजेपी का 55,000 वोट से जीतता, तो हमारा मालूम होता है तो बीजेपी के लिए ये सीट ठीक ही है। सब कह रहे हैं कि आपको उतना चुनाव प्रचार में नहीं दिखा जितना आपके विरोधी जो है कौशानी तृणमूल कांग्रेस के, उनको दिखा है। वो बच्चे में है, वो चुनाव लड़ रहा है, उसको लड़ने दीजिए। छह फेज, आज छठा फेज है, पांच फेज हो चुका है। सब आपको मानते हैं कि जब तृणमूल में थे आप तृणमूल के चाणक्य माने जाते थे, आज बीजेपी में है, आपका असेसमेंट क्या है, कहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त चुनाव? कृष्णनगर चुनाव से लड़ रहा है तो हम कृष्णनगर देखेंगे, तो कृष्णनगर में बीजेपी अच्छा स्थिति में है। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार पावर में आएगा। अमित शाह कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीट, क्या वो पॉसिबल होगा? 200 के आसपास ही जाएगा, 200 के आसपास जाएगा क्या? उस स्थिति में इस वक्त बीजेपी है, छह चरण आज चुनाव? जरूर बीजेपी उस स्थिति में ही है। और इस वक्त कोविड की जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, कोविड में तो फिर आगे हम लोग कोविड देखा है। अभी जो कोविड होता है ये आप लोग कोई बोल रहा है ये अलग तरह से होता है, अलग कुछ हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, क्योंकि नेक्स्ट फेज में कोलकाता में होने जा रहा है। होने दीजिए, वो स्वाभाविक स्थिति में ही है। इसी के साथ यहां रुकना होगा शीर्ष ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए आज तक।